आजकल कश्मीर में मिर्जाई कादियानी लोग बहुत फैल रहे हैं, उनके बारे में तमाम मुसलमानों को आगाह कीजिए कि ये सच्चे मुसलमान है या झूठे, उनसे मुसलमान कैसे बच सकते हैं। अब्दुलजीज सफदर साहब, सवाल है कि कई कादियानी लोग हैं कश्मीर में भी है कह रहे, क्या वो सच्चे मुसलमान है, मुसलमान को उनके बारे में कहिए। और ये हम जानते हैं कि कोई भी जो इनकार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, कोई भी इनकार करता है कि आखिरी नबी नहीं है, तो कुफ्र में आ जाते हैं। तो कई उलमा का फतवा है कि ये लोग इस्लाम के दायरे के बाहर है। बाकी कोई भी आप चीज करो, अल्लाह में मानते, अल्लाह के रसूल में मानते हैं, वो आखिरी नबी है, तो फिर इस्लाम के दायरे में है। भले सही रास्ते पर नहीं होंगे तो भी इस्लाम के दायरे में है। क्योंकि कुरान मजीद में साफ अल्फाज में कहा गया है, सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद नहीं है और वो अल्लाह के रसूल हैं और वो खातिम नबी हैं। माकान मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातिम नबी व कान अल्लाह बिकुल शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग के कोई भी वालिद नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और खातिम नबी है और अल्लाह सब जानने वाला है। यहां कादियानी लोग कहते कि नबी और रसूल का तर्जुमा उल्टा करते हैं। वो कहते हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। वो कहते नबी वो है जिसको पैगाम दी गई है, तो वो आखिरी नबी है लेकिन आखिरी रसूल नहीं है। वो मानी को उल्टा करते। कोई भी जो अरबी या उर्दू भी जानता है, रसूल के मानी जिसको रिसालत दी गई है, तो नबी के वो मानी है जो आम पैगंबर है और बहुत से पैगंबर आए। नबी मतलब आम पैगंबर, रसूल वो जो नबी होने के बावजूद उनके ऊपर एक वही नाजिल हुई, उनने कोई अल्लाह सुभाना व तआला की तरफ एक रिसालत भी लेके आए। तो हर रसूल नबी होना जरूरी है, लेकिन हर नबी रसूल होना जरूरी नहीं। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है और फिर कहते हो खातिम नबी ने, मतलब उसके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, उसका मतलब उसके बाद नबी भी नहीं आएगा और रसूल भी नहीं आएगा। अगर मैं कहूंगा कि ये आदमी ग्रेजुएट है, बीए है, लेकिन इसके बाद कोई भी 10th स्टैंडर्ड भी नहीं पास करेगा, तो ये 10th स्टैंडर्ड नहीं पास करेगा मतलब ग्रेजुएट भी नहीं होगा, एमए भी नहीं होगा। तो कुरान में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आखिरी रसूल भी है, लेकिन ये लोग कहते हैं मिर्जा गुलाम कादियान वो भी एक नबी है, उनके ऊपर रिसालत नहीं लेकिन वो भी नबी है। तो जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने से इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे के बाहर है। और एक कादियानी लोग, जैसे मैं कह रहा था पहले भी, ये मीडिया जो गैर मुसलमान का मीडिया है इस्लाम के खिलाफ है, हमारे मुसलमान का एक भी मीडिया नहीं, अफसोस की बात है। लेकिन ये कादियानी लोग का टेलीविजन सैटेलाइट चैनल है 24 घंटा, नाम है MTV मुस्लिम टीवी ए अहमदिया, और इन लोग कुछ चंद कुरान के आयत की तिलावत करके मुसलमान को बहकाते। जिस तरीके से मैंने कहा ईसाई लोग, 5 सवाल मैंने किया, बहुत से सवाल है, ये 5 सवाल का जवाब ने, उसी तरीके से ये अहमदी लोग, ये कादियानी लोग कुछ चंद कुरान के आयत लेते, हदीस लेते और जो आम मुसलमान के पास इल्म नहीं उन्हें गुमराह करते हैं। हमें उनके बारे में इल्म होना चाहिए और ऐसे लोग को हम जाके उनसे दावत देना चाहिए, हम में से ग्रो होना चाहिए जो स्पेशलाइज हो कुछ क्रिश्चियनिटी में, कुछ हिंदुइज्म में, कुछ कादियानिज्म में, तो कि हम उन्हें सही राह और दिनुल हक की तरफ बुलाएं।